ये तो हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन दुनिया का अंत होना तय है। ज्यादातर धर्मशास्त्रों में दुनिया के विनाश या प्रलय का जिक्र मिलता है। एक दिन इस पूरी दुनिया का विनाश होना है। सभी धर्मों और देशों के अनुसार प्रलय के लिए अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। इन्हीं को आधार बनाकर अब तक कई बार दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियां की गई। लेकिन कयामत का दिन कब आएगा, इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। जहां धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाकर कई भविष्यवेत्ताओं ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की हैं, वहीं कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक आधार लेकर इसका समय बताने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे दुनिया के अंत की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में, जो मानव जाति को हमेशा से डराती आई हैं। इनमें से कुछ का वक्त निकल चुका है, लेकिन कुछ अब भी भविष्य में दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। लियोनार्डो दा विंची, सन 4006। दूसरे भविष्यवक्ताओं के साथ ही लियोनार्डो दा विंची ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। दा विंची के अनुसार दुनिया का अंत करने के लिए सन 4006 में एक भयंकर बाढ़ आएगी और सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची इतालवी पुनर्जागरण के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक माने जाते हैं। दा विंची एक पेंटर, चित्रकार, इंजीनियर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आविष्कारक और बहुत कुछ थे। दा विंची के मुताबिक दुनिया के खत्म होने की शुरुआत एक भयंकर वैश्विक बाढ़ से 21 मार्च 4006 को शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी और इस तरह से दुनिया का खत्मा हो जाएगा। दा विंची कहते हैं कि इस तरह से धरती पर फिर से एक नए जीवन की शुरुआत होगी। माया सभ्यता, 21 दिसंबर 2012। भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। मेक्सिको की माया सभ्यता के कैलेंडर के हिसाब से यह घोषणा की गई थी। माया सभ्यता की प्रमाणिकता इतनी थी कि उसकी भविष्यवाणी को ज्यादातर लोगों ने सच मान लिया था। लेकिन दूसरी भविष्यवाणियों की तरह 2011 में चर्चा में आई ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। ऐसा कहा जा रहा था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा है। माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तारीख का जिक्र नहीं मिलता। कैलेंडर के अनुसार ये दिन धरती का आखिरी दिन था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को धरती पर महाप्रलय आ सकती है। यह सभ्यता गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत थी। इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 साल आंकी गई थी। बाबा वेंगा, सन 5079। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा इन दिनों चर्चाओं में हैं। वेंगा को बालकन के नास्त्रे दमस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वे सभी सच हुई हैं। बाबा ने पिछले दिनों फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और आइसिस जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थी, जो सभी सच निकली। लेकिन उन्होंने धरती को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, वो सच में चौंका देने वाली थी। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि सन 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा उन्होंने एकदम से नहीं कहा था, बल्कि इसके साथ ही बाबा ने सन 5079 से पहले की शताब्दियों में होने वाली सभी घटनाओं की भविष्यवाणियां भी की थीं, जिसमें उन्होंने बताया कि अगले 100 सालों में मानव कृत्रिम सूरज बना लेगा, उसके अगले 200 सालों में हम एलियन सभ्यताओं से मिल पाएंगे, साल 3005 में मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा मानव युद्ध होगा और 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड टाइम प्रोफेसीज, 29 जुलाई 2016। जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के बीच एक बार फिर हाल ही में दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणी की गई थी। इस भविष्यवाणी के मुताबिक 29 जुलाई 2016 को
पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी। एंड टाइम प्रोफेसीज नाम की संस्था की भविष्यवाणी के अनुसार यह कहा गया था कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलटने से इस आपदा की शुरुआत होगी। इससे पहले एंड टाइम प्रोफेसीज की एक और भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि इस दिन एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकरा सकता है, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और धरती यूं ही सुरक्षित बनी हुई है। आइज़क न्यूटन 2060। हम में से ज्यादातर लोग आइज़क न्यूटन को आधुनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, पर जहां एक तरफ न्यूटन भौतिक विज्ञान के नियमों को देने के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का झुकाव धर्मशास्त्रों में लिखे दुनिया के अंत की तरफ भी था। वे बाइबल को पढ़ते हुए अपना काफी वक्त ये खोजने में बिताते थे कि आखिर दुनिया का अंत कब होगा। बाइबल के अध्ययन के बाद उन्होंने माना कि दुनिया का अंत सन 2060 से होना शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक ये समय रोमन एम्पायर के गठन से ठीक 1260 साल बाद का है। इस बात से ये पता चलता है कि न्यूटन की इस थ्योरी के पीछे वैज्ञानिक आधार से ज्यादा धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ था। खोजकर्ताओं ने न्यूटन के इस पर लिखे हजारों लेखों का अध्ययन करके पता लगाया कि सन 1704 में न्यूटन के लिखे एक लेख में 2060 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। उनके मुताबिक इस वक्त के आसपास आते ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंग अगले 1000 साल। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार मानव के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ 1000 साल और बचे हैं। ऑक्सफोर्ड में दी गई अपनी एक स्पीच के दौरान स्टीफन ने कहा कि अगले 1000 सालों में धरती का अंत होना तय है। उनके हिसाब से हमारी धरती अब उतनी मजबूत नहीं है जो आने वाली भयंकर विपदाओं का सामना कर सके। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु हमलों, बीमारियों और भयंकर बाढ़ से भले ही बच जाएं, पर हम हर बार भाग्यशाली साबित हों ये जरूरी नहीं है। स्टीफन के मुताबिक मानव को अगले 1000 सालों में धरती जैसे किसी दूसरे प्लेनेट की खोज करके वहां बस्तियां बसानी होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समूचे ब्रह्मांड में अपने जैसी अकेली मानव सभ्यता का अंत होना तय है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही अपने सुझाव मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।